को क्लास समाप्त होने के बाद ये जो शॉर्ट नोट है ये आपको मिल जाएगा। आवाज वगैरह तो आप सबके पास क्लियर है, एक बार स्पष्टीकरण कर दीजिएगा, बताइए आवाज मेरी क्लियर है? यस सर। ओके सर, शॉर्ट नोट DSSB वाले ग्रुप में भी शेयर कर देना। हाँ ठीक है, ये आपके नोट्स जो है मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को आप सभी लोग सुनिएगा सर, MPPSC के ग्रुप में भी सेंड कर देना। अच्छा जी ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है समाज कार्य शोध के बारे में, समाज कार्य शोध जो है ये समाज कार्य की सहायक पद्धति है। कौन सी पद्धति है? ये सहायक पद्धति है समाज कार्य शोध, ठीक है? और समाज कार्य शोध से ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध पर नए तथ्य को प्राप्त करना और व्यवस्थित अन्वेषण को या व्यवस्थित अन्वेषण के माध्यम से सामाजिक अनुसंधान करना। तो तीन कीवर्ड हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे परीक्षा में अगर आपसे कहीं लिखा है सामाजिक घटना शब्द, ठीक है, या आपके परीक्षा में लिखा हुआ है समस्या के संबंध में, समस्या के संबंध में, संबंध में, और नए तथ्य की प्राप्ति की बात कर रहा है, नए तथ्य की प्राप्ति की बात कर रहा है, साथ ही साथ व्यवस्थित अन्वेषण यानी वैज्ञानिक ढंग शब्द यूज हो रहा है, ठीक है, ढंग से कार्य करने। तो ये ऐसे शब्द हैं जो परिभाषित करते हैं समाज कार्य शोध को, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना होगा इस परिभाषा के रूप में, ठीक है? समाज कार्य शोध के अंतर्गत ये शब्द आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं समाज कार्य शोध में, इसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया था अन्वेषणात्मक शोध होता है जो नए तथ्यों की खोज से संबंधित होता है, तो यह एक प्रकार बन जाता है, एक प्रकार भी बन जाता है अन्वेषणात्मक शोध। एक आप लोगों ने पढ़ा है व्याख्यात्मक शोध। व्याख्यात्मक शोध का तात्पर्य बेसिकली कारण सहित व्याख्या करने की बात करता है, कारण सहित जब किसी तथ्यों की बात करता है, कारण सहित व्याख्या करने की बात करता है तो उस कंडीशन में व्याख्यात्मक शोध होता है, संबंध और सह संबंध ढूंढने का प्रयास होता है व्याख्यात्मक में, ठीक है? ये बात है। एक होता है वर्णनात्मक शोध, आप सब जानते हैं स्थिति का वर्णन, स्थिति का वर्णन क्या कहलाता है? वर्णनात्मक अनुसंधान बोला जाता है। तो ये कुछ आपके बेसिकली प्रकार के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप लोगों ने यहां तक कि PhD कैग के बारे में आपने सुना, PhD कैग R, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को पता होगा, यहां से प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अब प्रॉब्लम हो गया हाइपोथेसिस डिजाइन कलेक्शन एनालिसिस जनरलाइजेशन एंड रिपोर्ट, ये स्टेप का पार्ट है समाज कार्य शोध में। मेरी आवाज आप सभी के पास स्पष्ट है, एक बार क्लियर करिएगा प्लीज, बताइए। नहीं सर, ब्रेक हो रही है। यस अच्छा। यस सर, आ रही है, ठीक आ रही है सर, रुक रुक कर आ रही है, ब्रेक हो रही है सर। अच्छा, कुछ लोगों के पास आवाज ब्रेक हो रही होगी, चलो कोई नहीं, अभी आवाज आपके पास क्लियर होगी, आई थिंक क्लियर आ रही है। हाँ देखो, कारण यह है कि ये नेटवर्क इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पूछा भी था, जैसे मनीषा ने कहा था कि भाई पूछ लीजिएगा सर नेटवर्क को लेकर, तो मैंने बात किया था तो उन्होंने कहा था कि नेटवर्क आपका जो है बेसिकली सर उस समय शाम का समय होता है, लगभग सभी यूज करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा स्लो होता है, तो कभी कभार होता है, बाकी हमेशा नहीं होता। हमने कहा यार 3-4 दिन शो हो रहा है, कह रहे ठीक हो जाएगा सर कुछ दिन आप चलाइए, ठीक है? तो ये बाकी आप निश्चिंत रहें, समय के अनुसार ये भी ठीक हो जाएगा, है ना? आगे मैं बात करता हूं
तो अनुसंधान में आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा एक फॉर्मेट का नाम, यानी अनुसंधान प्रारूप। अनुसंधान प्रारूप जो होता है इसी को हम लोग अभिकल्प के नाम से जानते हैं। बेसिकली होता ये क्या है, अभिकल्प, अभिकल्प यानी अभिकल्पना यानी डिजाइन। कहने का आशय है मेरा कि किसी भी समस्या के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगाना। क्या करना, कार्य कारण संबंधों का करना होगा आपको पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान लगाना। यह शब्द जब रिलेट करता है तो वह अभिकल्प या डिजाइन को रिप्रेजेंट करता है। कहने का तात्पर्य है कि अभिकल्पना एक ऐसा कार्यकारी तर्कवाक्य है या कल्पनात्मक धारणा है अथवा पूर्वानुमान होता है जिसे आप खोज के दौरान उसकी प्रकृति के आधार पर पहले निर्मित कर लेते हैं और खोज के दौरान उसकी वैधता का परीक्षण करते हैं, तो वही अभिकल्पना कहलाती है। ये काम आप करते हैं, है ना, आपके आधार पे चीजें बेसिकली मेंशन होता है। मैं आपको बताता हूं, इसी अभिकल्पना में ही समाजकारी शोध में एक नाम आता है गुड्डेनहार्ट का। गुड्डे एंड हार्ट एक विद्वान का नाम है। इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने नोट भी करवाया है, मेथड इन सोशल रिसर्च, सोशल रिसर्च। अब इस पुस्तक में तीन प्रकार का क्या बताया गया है, अभिकल्पना बताई गई है। कौन कौन सी अभिकल्पना तीन है, एक होता है अनुभाव है और एक होता है आदर्श, और एक होता है आदर्श प्रारूप संबंधी, और एक होता है ओके विश्लेषणात्मक चर संबंधी। ठीक है, आवाज अभी आपके पास स्पष्ट है, एक बार क्लियर करिएगा प्लीज। ये तीन बातें मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, आप यहां से देख सकते हैं। एक अनुभाविक एक रूपता का संबंध यहां पे प्रस्तुत है, तो वहीं दूसरी तरफ आदर्श प्रारूप संबंधी है। इसको अनुभाविक को क्या बोलते हैं, इंपिरिकल बोला जाता है, ठीक है, और आदर्श को बेसिकली हम लोग एक प्रकार से आइडियल जैसे शब्दों को रिलेट कराते हैं, तो उस परिपेक्ष में आइडियल मॉडल रिप्रेजेंट होता है, आइडियल मॉडल जो है रिप्रेजेंट होता है। जो इंपिरिकल होता है, इंपिरिकल ये आप लोग यहां पे क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बना करना अवलोकन करेंगे, आंकड़े एकत्र करेंगे, उसकी जांच करेंगे और फिर आप निष्कर्ष के रूप में वहां पे प्रस्तुत करते हैं, तो वह एक अनुभाविक होता है। ये जो मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनना है आपको। वहीं अगर मैं बात आपसे करता हूं आदर्श के रूप में, आदर्श क्या होता है, बेसिकली एक जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित ये एक प्रकार से अभिकल्पना होता है। इस अभिकल्पना में अनुभाविक समरूपता का उद्देश्य कार्य हो गया, टास्क या फंक्शन, उपकरण हो गए, और समस्याओं का निर्माण किया जाता है इसमें। तो यहां पे समस्या का निर्माण आप कर सकते हैं, साथ ही साथ कार्य की बात करते हैं, और कार्य उपकरण मतलब बेसिकली जो आपने गोल लिया है उसके आधार पे टूल्स की बात करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो अनुभाविक आपका ऊपर लिखा हुआ है इसी के, अगर इसी के संबंध में यहां पे समरूपता के उद्देश्य से ये क्रिया संचालित होगी आदर्श प्रारूप के संबंध में। और एक विश्लेषणात्मक होता है जिसको हम लोग एनालिटिकल वेरिएबल से रिलेटेड बताते हैं, ये टोटली चरों की तार्किक विश्लेषण पर बेस्ड है। आप ये कह सकते हो कि क्या गुण है, यह गुणों पर आधारित होता है, यह गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज क्लियर नहीं है,
बताइए एक बार। सब ब्रेक होकर आ रही है। अच्छा जी, नहीं अभी आपके पास आवाज अभी ज्यादा ज्यादा ब्रेक हो रही है। ज्यादा ब्रेक हो रही है तो एक मिनट रुकिए, मैं कुछ करता हूँ फिर आपको। यस सर। तो मैं आप लोगों से अभी जो बातचीत किया हूँ ये तो आप सबको पता हो चुका है। मैं इसके अंतर्गत जब परीक्षा में सवाल बनते हैं तो किस तरीके से बनेंगे थोड़ा सा ये भी आपको बताना समझना उचित समझता हूँ, इसलिए आप सभी लोग इसे भी ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर आपसे कहता है यहाँ पे कि अन्वेषणात्मक शोध क्या है, तो अन्वेषणात्मक शोध में आप एक कीवर्ड लिखिएगा। अन्वेषणात्मक शोध में एक कीवर्ड लिखिएगा, समस्या के गहन अध्ययन। समस्या का गहन अध्ययन, ठीक है, गहन अध्ययन पहला। दूसरा आपको ध्यान रखना है वर्णात्मक। आपसे पूछता है वर्णात्मक तो आप क्या बताइएगा, विशेष परिस्थितियों में विशेषताओं का मूल्यांकन कर दे, यानी विशेष परिस्थिति में, ठीक है, परिस्थिति में क्या कर दे, परिस्थिति की विशेषताओं का मूल्यांकन कर दे। क्लियर है, प्लीज बताइए एक बार। विशेषताओं का मूल्यांकन कर दे, आवाज मेरी क्लियर है सर? आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है। आ रही है ना, चलिए आगे बढ़िए। फिर एक आता है आपके सामने परीक्षणात्मक, है ना, परीक्षणात्मक आता है शोध। ये परिकल्पना की जांच होती है इसमें। इसमें क्या होता है, परिकल्पना की जांच होती है, ठीक है, इसमें जांच होती है, यह आपको ध्यान रखना होगा इसके अंतर्गत, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपका प्रयोगात्मक। क्या होता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान, या आप ऐसा कह लीजिए कि शोध, अनुसंधान या शोध। तो इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करता हूं तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में उपकल्पना का परीक्षण होता है प्रयोगात्मक में, ठीक है। प्रयोगात्मक में क्या बनेगा, उपकल्पना या परिकल्पना का परीक्षण होगा। परीक्षण और जांच दोनों में थोड़ा सा सिमिलर है। परीक्षणात्मक होता है वो बाहर सी बात है, उसमें जांच पड़ताल वाली ऑब्जर्वेशन वाली प्रक्रिया होती है, और जहां परीक्षण वाली प्रक्रिया में आ बनेगा वहां पे खुद स्वयं के द्वारा क्रियाएं बेसिकली संचालित होती है। तो यहां आप कह सकते हैं कि उपकल्पनाओं का, अगर मैं आपसे बात करूं उपकल्पनाओं का, किसका, उपकल्पनाओं का परीक्षण होगा, का परीक्षण होगा, ठीक है। और एक होता है क्रियात्मक शोध। जी सर, जी बताइए। ऊपर लिखा है प्रयोगात्मक में प्रकल्पना की जांच और प्रयोगात्मक में उपकल्पना का परीक्षण, हाँ, तीन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए मैंने आपको एक बात अभी बताया है आप सभी से, उसे भी आप ध्यान से सुना करें। मैंने आपसे कहा कि परीक्षण और जांच में अंतर होता है। अब ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि परीक्षण वाली प्रक्रिया जो होगी वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन वाली चीजों को रिलेट कराएगी, ठीक है, समझ रहे हैं? ऑब्जर्वेशन यानी आप ये कह लीजिए एक प्रकार से अन्वेषण, मतलब अन्वेषण या परीक्षण या जांच, दोनों की बात समझिएगा। तो पहले जो जांच शब्द है इसका मतलब है कि मामलों के संबंध में साक्ष्य को एकत्र कर रहा है और वो परिकल्पना पर बेस्ड है, जहां सबूत की भूमिका बन रही है, जहां सबूत की भूमिका बन रही है। परीक्षण बेसिकली एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि तथ्यों को हम, वहां पे तथ्यों को हम सच्चाई और झूठ का निर्धारण कर रहे हैं, या आप ये कह लीजिए कि सत्य और असत्य का निर्धारण कर रहे हैं, उस क्रिया में परीक्षण होगा। और साक्ष्य को एकत्र करने वाली प्रक्रिया में आपका जांच जो है यहां पर बनेगा। तो यह एक प्रकार से उपकल्पना का परीक्षण प्रयोगात्मक, उपकल्पना की जांच परीक्षणात्मक, परीक्षणात्मक शोध का क्रिया बनेगी। और एक होता है क्रियात्मक शोध।
क्रियात्मक शोध क्या होता है ये भी पर सुन लीजिए। इस शोध में उपकल्पनाओं को कार्यक्रम में बदलना। कार्यक्रम में आवाज नहीं आ रही सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है उसका। को आप लोगों को समाज कार्य शोध के अंतर्गत जो है ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इसके संबंध में। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से समाज कार्य शोध में समस्या के क्या की खोज करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, एक और पॉइंट आप सबको मैं दे रहा हूं यहां पे। ये सामाजिक शोध में समस्या के क्या की खोज, क्या की खोज करने के लिए किस डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो एक बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, प्रयोगात्मक डिजाइन का उपयोग किया जाता है। यह आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मैंने पढ़ाया अभी तक कल क्लास में सैंपलिंग के बारे में आप लोगों से कि सैंपलिंग कितने टाइप की होती है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मालूम भी होगा सैंपलिंग बेसिकली दो टाइप का होता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है तो एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। सैंपलिंग दो तरीके का होता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है ना, बताइए सही बात है? जी सर। अब जो प्रोबेबिलिटी होता है उसके अंतर्गत कई टाइप आते हैं, मैंने आपको चार टाइप के बताए हैं प्रोबेबिलिटी में, और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटीज होता है वो एक सिंपल रेंडम आता है ना, दूसरा एक स्टैटिफाइड होता है, तीसरा एरिया या क्लस्टर होता है, चौथा सिस्टमैटिक होता है। तो ये बेसिकली चार टाइप के जो हैं आपके मिल सकते हैं परीक्षा में, इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी में एक कोटा होगा आपका, दूसरा आप सबका एक्सीडेंट है, म्यूट हो जाइए प्लीज, एक तो आवाज पहले से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ब्रेक हो रही है, वैसे भी पहले से थोड़ी सी आवाज ब्रेक चल रही है इसलिए म्यूट रहे प्लीज। एक आपका आवाज में दिक्कत आ रही है, अभी सही हो जाएगा है ना, ठीक है। मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, अगर आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं तो मैं जो लिख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, फिर आवाज आपके पास आ जाएगी है ना, ठीक है। नंबर फोर पे अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने तो एक आता है स्नोबॉल होता है, और एक आपका जजमेंट होता है। वंदना जी आप कृपया म्यूट हो जाइए क्योंकि आपकी आवाज के कारण ना सर की आवाज कम आ रही है। वंदना क्लास में म्यूट हो जाइए भाई, हाँ म्यूट रहिए प्लीज है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो एक आता है जजमेंटल होता है। आप लोगों को मैंने एक और बताया था जो है कन्वेंशन करके, वो भी एक प्रकार का नॉन प्रोबेबिलिटी का ही टाइप माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों से परीक्षा में पूछे जाते हैं है ना, ये चीजें आप लोगों को जो है इसमें ध्यान में रखना होगा। इतनी बात क्लियर हुई, एक बार स्पष्टीकरण करिए। जी सर। हाँ देखिए उसके बाद अगर मैं आपसे बात, जी क्या कह रहे हैं सर? स्नोबॉल
अगले कर दीजिए, स्नोबॉल। स्नोबॉल, स्नोबॉल सर इसको हिमगेद बोलते हैं। मैंने कल बताया भी था कि यहाँ एडमिन जो होता है वो छिपा होता है, गुप्त होता है। जब तक डेटा नहीं मिलता तब तक उसमें व्यक्ति जुड़ते रहते हैं। स्नोबॉल में, स्नोबॉल आंकड़े जो होता है वो एकत्र करने के लिए जाना जाता है। ये प्रश्नावली बनाकर क्रियाविधि की जाती है स्नोबॉल में, है ना। और पहले से जनसंख्या का कोई निश्चितकरण या निर्धारित नहीं किया जाता है कि भाई इतनी जनसंख्या करना, जनसंख्या आगे बढ़ भी सकती है, तो वो स्नोबॉल का टाइप बन जाता है। ठीक है सर? ठीक सर। हाँ, अब देखिए हाइपोथेसिस है ना। हाइपोथेसिस के अंतर्गत मैंने आप लोगों से बताया एक वर्किंग हाइपोथेसिस होती है और एक नल हाइपोथेसिस होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं जो वर्किंग हाइपोथेसिस है अगर सत्य हो गई तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी नल हाइपोथेसिस की और ना ही अल्टरनेट हाइपोथेसिस की। बाय द वे मान के चलिए कि वर्किंग हाइपोथेसिस गलत हो गई है तो नल हाइपोथेसिस की जरूरत पड़ सकती है। अगर यहाँ पे ये सत्य हो गया तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि वर्किंग हाइपोथेसिस और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं नल हाइपोथेसिस, दोनों के दोनों असत्य हो गए हैं, गलत हो गए हैं, तब वहां पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस बेसिकली संचालित हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा इसके अंतर्गत जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये एक बार मुझे स्पष्टीकरण करें प्लीज। इतनी बात क्लियर हुई? ये हम सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो वर्किंग हाइपोथेसिस होती है, वर्किंग हाइपोथेसिस यदि मान लीजिए सत्य हो गई है तो जरूरत नहीं है इसकी नल हाइपोथेसिस की, ना ही जरूरत अल्टरनेट हाइपोथेसिस की है। मान के चलिए कि अगर वर्किंग हाइपोथेसिस आपने कोई सर्च किया, खोज किया और वो आपके यहाँ पे असत्य हो गई है, गलत हो गई है, तो आप नल हाइपोथेसिस पर आप काम करेंगे। और नल हाइपोथेसिस अगर सत्य हो गई है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सपोज मानिए कि वर्किंग हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस दोनों के दोनों गलत हो जाएं तो आपको अल्टरनेट हाइपोथेसिस को यहां पर करना पड़ेगा। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा क्या होता है? सत्य होता है, हमेशा सत्य होता है। इसका परीक्षण जो है बेसिकली जी क्या कह रहे हैं सर? सॉरी एक बार बताइए कुछ कह रहे हैं आप? कोई एग्जांपल सर अगर होता छोटा सा तो थोड़ा सा और भी ज्यादा। अच्छा, मैंने आपको कुछ सर एग्जांपल होता सर इसका थोड़ा सा तो और बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपने वर्किंग हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हो, कहीं आप रिसर्च कर रहे हो और आपको लगा कि भाई कि बियर पीने से शरीर स्वस्थ होता है। ठीक है, अब ये असत्य हाइपोथेसिस हो गई, एक प्रकार से ये असत्य बात है, आपने यहाँ पे असत्य किया। ठीक है, तो ये आपका नल हाइपोथेसिस में काम होगा। ठीक है, फिर वो नल हाइपोथेसिस में इस आधार पर बेसिकली फिर जाकर कार्य किया जाए। बाय द वे मान चलिए कि नल हाइपोथेसिस भी आपने या आपने क्या कर दिया, इसे भी गलत कर दिया है कि बियर पीने से शरीर जो होती है वो स्वस्थ होती है, ये भी आपने मान लिया असत्य बात है। ठीक है, तो वो क्रिया अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे जाएगी और ये बेसिकली हमेशा सत्य होती है। फिर इस पे आप वर्णन करेंगे, व्याख्या करेंगे, ये क्रियाएं बेसिकली इस पे संचालित रहेंगे। ठीक है, यह एक एग्जांपल लगा। मान लीजिए दूध पी स्वस्थ होता है, आपने कहा भाई कि वर्किंग हाइपोथेसिस में जैसे, तो इस क्रिया को यहां पर दर्शा सकते हैं जैसे टाइप वन एरर का पार्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में तो जब किसी प्रकल्पना जैसे मान लीजिए यह सबसे पहले निर्माण होता है ना, ये सबसे पहले निर्माण होता है लिटरेचर ऑफ रिव्यू या साहित्य समीक्षा के माध्यम से हम जिस प्रकल्पना का निर्माण करते हैं ना, प्रकल्पना का निर्माण करते वही बेसिकली कार्य प्रकल्पना कहलाती है या वर्किंग हाइपोथेसिस कहलाती है, कार्य प्रकल्पना उसी कहते हैं। जब कभी कार्यकारी प्रकल्पना रिजेक्ट हो जाए तो हम निर्माण करेंगे वहां पे शून्य या नल प्रकल्पना का। ठीक है, या हाइपोथेसिस का। बाय द वे मान चलिए भाई कि आपने गलत कर दिया नल हाइपोथेसिस को भी, तो आपको अल्टरनेट ही बेसिकली। अब देखो कुछ ऐसे रिसर्च में आते हैं अल्टरनेट में, नहीं तो अदरवाइज सारे पार्ट अल्टरनेट में नहीं आता है।
बाकी वर्किंग या तो नल हाइपोथेसिस तक की बातें रह जाती हैं, है ना, वहीं तक रह जाती हैं। तो ये क्रिया बेसिकली उसमें संचालित होता है। सर जी, जैसे भी आपने कहा बियर पीने से शरीर स्वस्थ होता है, हाँ, हमने इसको वर्किंग हैपनिंग्स पर ने गलत मान लिया, ठीक, हाँ, गलत फिर नल में गए, नल में मैंने गलत मान लिया, हाँ, फिर ये चीज में इंटरनेट में गया, हाँ, तो क्या यहाँ किसी को सत्य मान लेंगे इसको हम? नहीं, वहाँ आपको सत्य नहीं मानना होता है, ये बेसिकली कहा गया है कि ये हमेशा सत्य होता है, ये हमेशा सत्य होता है, तो यहाँ अपना उसका वर्णन लिखा है वर्णन, ठीक है, आप यहाँ पर अपने शोध के आधार पे, अपने खोज के आधार पे वर्णन करेंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रकार का डिस्क्रिप्टिव वाला विवरण होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, है ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप का एक प्रकार से परिकल्पना यहाँ पर बनेगी। तो आप यहाँ पे ये नहीं कि आप कहोगे कि भाई ये वाली बात तो सत्य है कि इससे चीजें पीने से जो है शरीर स्वस्थ रहती है, ठीक है, आप वहां पे ये भी लिखेंगे आपकी जितनी जानकारी उसके तथ्य के संबंध में है या उस गोल के संबंध में जितने भी तथ्य हैं उन सभी का अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आप रखेंगे, उन सभी चीजों को आप वहां पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस में रखेंगे, यही अल्टरनेट होता है, ठीक है, यही अल्टरनेट होता है। अब परिकल्पना जाहिर सी बात कहता यही है, तर्क के लिए किसी बात की कल्पना करना, है ना, तर्क के लिए किसी बात की कल्पना करना, आप कल्पना करके लिख सकते हो अल्टरनेट में, वही चीज अल्टरनेट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इसी नल हाइपोथेसिस में आप जब ये प्रक्रिया आती है, मैंने एक एग्जांपल दिया बियर का, तो वहां आपका जो नल हाइपोथेसिस है ना यही कंफर्म कर देगा, अल्टरनेट में आएगा ही नहीं। पहली बात मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोला है, मैंने कहा कि या तो वर्किंग हाइपोथेसिस में ये कार्य हो जाएगा, अगर वहां पे नहीं हुआ तो नल में हो जाएगा, ये बात तो तय है, नल तक हो जाएगा, अल्टरनेट तक आता ही नहीं, बाय द वे कोई कोई आ जाता भाई अल्टरनेट तक आ जाता है, लेकिन जब नल तक में ये चीजें आती है ना तो नल में दो एरर मिल जाते हैं नल हाइपोथेसिस में, तो वही परीक्षण दो एरर में आ जाते हैं जिसको आपने कहा है टाइप वन और टाइप टू, टाइप वन और टाइप टू। अब शून्य प्रकल्पना सत्य है, अपने उसको सत्य है, मान लो कोई शून्य प्रकल्पना है भाई ये बात सत्य है कि दूध पीने से शरीर स्वस्थ होता है, ये सत्य बात है, और आपने कहा कि नहीं दूध पीने से शरीर स्वस्थ नहीं होता है, आप साबित करना चाह रहे हो, तो यानी इसका मतलब आप इसे अस्वीकार कर रहे हो, इसे अस्वीकार कर रहे हो, तो ये टाइप वन एरर, कोई चीज सत्य है और उसे आप अस्वीकार कर रहे हो, मान ही नहीं रहे उसे, तो टाइप वन है, और कोई खराब चीज है, यहां पर सुनिए, रिसर्च में आपने अच्छी क्वालिटी बता रहे हो, कोई खराब चीज है उसे अच्छी क्वालिटी दर्शा रहे हो, तो उस कंडीशन में ये चीजें जो है यहां पर क्या कर रहे हैं आप, अच्छा बताने का मतलब आपने स्वीकार कर लिया, आपने इसको क्या स्वीकृति दे दी, स्वीकृत कर, तो वो टाइप टू एरर बन जाएगा, किसी शोध में शून्य प्रकल्पना गलत हो, ये गलत बात है, बियर पीने से ये बात गलत भी है, इस बात से आप सभी लोग सहमत भी है, शरीर स्वस्थ नहीं होता है, तो शून्य प्रकल्पना गलत हो, अर्थात शोध शामिल दो या दो से अधिक चरों के बीच में कोई संबंध हो किंतु या हम शोध में नहीं खोज पाए हैं, इसीलिए यहां पे स्वीकार कर लिया हमने इसको, ये टाइप टू एरर बन गया, ये टाइप टू एरर बन गया, ये चीजें बेसिकली देखने को मिलती है। अब इसी में मैं आपको बताता हूं लेबल पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है लेबल, लेबल मतलब होता है स्तर, और वो स्तर जानते हैं क्या होता है, किसी भी प्रकल्पना की अगर आपको जांच करनी होगी, अब आपको जांच करनी पड़ेगी ना, आप टाइप वन ले लिया होगा या तो टाइप टू ले लिया आपने, मान लीजिए हमने टाइप टू को स्वीकार कर लिया, सपोज मानते हैं कि बात एग्जांपल में है ना, कोई खराब चीज है और उसे आप अच्छा दर्शा रहे हैं, आपने इसे स्वीकार कर लिया है, ठीक है, ये टाइप टू का परिभाषा है, और टाइप टू के आधार पे बेसिकली क्या हुआ, अब हमें करनी होगी जांच, अब वो जांच बेसिकली सार्थकता स्तर पर होनी चाहिए,
तो सार्थकता जो स्तर होता है वो हमेशा विश्वसनीय होता है। तो वहां सार्थकता के स्तर पर विश्वसनीय जो मान होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन से मान बोलते रहिए, आवाज क्लियर है कि नहीं? जी सर। टैबुलेशन बोलते हैं ना, क्या बोले? टैबुलेशन वाले मान। क्या? टैबुलेशन वाले मान ना सर। हाँ अभी आगे आए, अभी सुनिए, अभी आप किसी चीज की आप परख जांच कर रहे हैं, है ना, जांच कर लेंगे तब ना टैबुलेशन कैलकुलेशन आएगा। तो उसकी विश्वसनीयता का मान बेसिकली आपको निकालना है। तो इस कंडीशन पे दो स्तर मिलेंगे। एक स्तर आपका आता है लेवल 0.01। बहुत ध्यान से आपको सुनना है इस पॉइंट को, 0.01। ये आपको क्या करना है, ये एक प्रकार से जो किताबों में दिया हुआ है, यानी ये टैबुलेशन है या एक प्रकार से है, टैबुलेशन है ये समझो किताब, इसको आपको रटना पड़ेगा 0.01। ये मैंने निकाला नहीं है, ये है, ये विश्वसनीयता का मान है नल हाइपोथेसिस में। और एक आता है 0.05, ये होता है लेवल 2। ये लेवल 2 होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, समझिएगा बात को, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा कि 0.01 में, मैंने आपसे बोला कि 0.01 में, यानी आप ये समझ लीजिए कि ये 1 है, 1 को यहां पे रखिए और 2 जीरो है आप यहां पे रख लो, ठीक है। आप यहां पर ये कहिए कि एक बार ये क्या हुआ है, सत्य हुआ है, और 99 बार क्या हुआ, ये असत्य हुआ। देखिए मैंने क्या माना था एग्जांपल में, क्या माना था आपसे, मैंने कहा था बियर पीने से शरीर स्वस्थ होता, मैंने स्वीकार कर लिया था उसे, और ये 99% कहता भाई असत्य होगा, और असत्य देखो हो गया यहां पे, है ना। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि दूध पीने से शरीर स्वस्थ होता है, तो ये वर्किंग हाइपोथेसिस में ही बात खत्म हो गई थी, फिर नल में आने क्या जरूरत थी, बताइए। इस बात, ये स्वाभाविक सत्य भाई, सूर्य पूरब से ही उगता है, क्या पश्चिम में उगा सकते हो? कि अगर पश्चिम में उगाना तो फिर नल हाइपोथेसिस में आइए, फिर तो आइए, अदरवाइज वर्किंग हाइपोथेसिस में ही समस्या या इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन वहीं पर मिल जाएगी। युवाओं के में अगर हम बात करते, बेरोजगारी है इस समय, है ना, और ये बात सच है। आप तथ्य को जुटाइए, साहित्य समीक्षा पढ़िए, कहां कहां पे इस तरीके की समस्या है, और यदि आपने उस तरीके की चीजों को वहां पर अस्वीकार किया है, तब आगे बढ़ जाइए, फिर नल हाइपोथेसिस में आइए। और नल हाइपोथेसिस में दो व्यक्ति खड़े हैं, टाइप 1 टाइप 2 एरर करके, है ना, वहीं पर मिल जाएंगे आपको कोई ना कोई एक एरर, उसमें आप रख लीजिएगा। तो नल हाइपोथेसिस में बेसिकली 99 बार असत्य हुआ और एक बार सत्य हुआ, ये लेवल 0.01 का था। आप सोच रहे हैं कि यहां पे 5 है, तो मैं क्या कहता हूं कि यहां पे 5 बार सत्य कर लीजिए इसको, चलो भाई कुछ हद तक हमने किया सत्य, और 95 बार हमने क्या कर लिया, इसको असत्य कर लिया, असत्य यहां पर असत्य कर लिया, ठीक है, 95 बार। अब देखो मैं, मेरा कहने का जो आशय है सभी से, एक बात ध्यान रखिएगा कि विश्वसनीयता ज्यादा होती है। क्यों विश्वसनीयता क्यों ज्यादा होती है? अरे भाई 99 बार अगर असत्य है तो इसका मतलब विश्वसनीयता ज्यादा हुई कि नहीं हुई, बताइए। अच्छा ये बात तो तय हो गई ना साफ शब्दों में। एक लोग बोलेंगे अगर भाई ये बात झूठ है तो उसकी मानोगे नहीं, जैसे 2-3 लोग कहेंगे अगर एक बात को रिपीट करते हैं तो आप लोग कहते हो कि यार ये व्यक्ति हो सकता है झूठ बोल रहा हो, है ना, आप मान लेते हो फिर वहां पे, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं, उस कंडीशन में होता है। फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि विश्वसनीयता का मान दो स्तर पे, और विश्वसनीयता की एक परिभाषा आप ये याद रख सकिए, रख लीजिए कि विश्वसनीयता ज्यादा, जैसे 0.01 में विश्वसनीयता ज्यादा होती है क्योंकि 99 बार है ना, 99 बार क्या है, असत्य है ये, इसलिए विश्वसनीयता ज्यादा इसमें है, कम इसमें थोड़ा सा रहेगा क्योंकि 95 बार ही है। अब बेसिकली हुआ क्या, मैं आपको बता दूं,
एक फार्मूला यहाँ पे पुटअप होता है ना, और वो फार्मूला क्या होगा आप यहाँ पे ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। मैंने आपसे क्या बोला, ये इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार बताइए। कोई भी स्टूडेंट जिसको अभी थोड़ा सा लग रहा हो कि भाई खिचड़ी बन रही है, प्लीज। हाँ सर, 0.5 वाले विश्वसनीयता कम होती है। हाँ, वो विश्वसनीयता थोड़ी सी, देखो ये केवल कहने की बात है, ऐसा नहीं। लेकिन अब अनम्यूट हुई, जैसे आपकी बात मैं सुन लू, आप म्यूट हो जाइए। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा कि 95 बार है, अब कहीं 99 बार है, तो आप इन्हीं दोनों में अंतर देखिए ना, का मतलब कुछ भाई 4 अंकों का अंतर है, आप ऐसे आप देखें तो जाहिर सी बात है ज्यादा तो विश्वसनीयता इसी में आएगी। प्राथमिकता सेकेंडरी में अगर मैं बात करता हूं तो आप यहां पर भूमिका दे दीजिए 95 को, यानी 0.005 की, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा ज्यादा सत्य होगा, इसका मतलब ये नहीं है, तो भाई 5 बार सत्य हुआ ना इस, ठीक है। लेकिन ये है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि यार 2-3 जगह एक डेटा मिला वो गलत मिला। अब आप ही सोचिए हरियंत की किताब को लेकर, है ना, हरियंत की किताब को लेकर, तो कुछ लोगों का मानना है कि भाई लगभग उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर दिए गए हैं वो गलत है, है ना। कुछ लोगों का मानना है कि भाई उसमें कंटेंट हरियत की किताब में सफिशियंट नहीं। अब आपको ये तर्क ये सोचना पड़ेगा भाई कि सफिशियंट आपके पास कंटेंट नहीं उस किताब में है, या उसमें आंसर के वो जो है बेसिकली गलत है। आप प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, आप उस आधार पर चलिए। मैं कोई अगर रिसर्च करूंगा तो थोड़ी ना अपने मन से ही सारे चीज करना शुरू कर दूंगा, मुझे तो वोटिंग भी चाहिए, मुझे आप लोगों की राय भी तो चाहिए, और लोगों के बारे में रुझान भी तो चाहिए मुझे, तो मैं उसके आधार पर चयन करूंगा ना, ऐसे थोड़ी ना किसी के डिसीजन पर चला जाऊंगा, है ना। मानने की बात है ये कि हमें वहां पर सभी हमें रुझान लेने पड़ेंगे और लोगों से भी, तभी आप किसी की आलोचना कर सकते हो, ऐसे थोड़ी ना आलोचना कर दिया, है ना। एक आपने आपने कोई चीज सोचा आपने आलोचना कर दिया, ऐसा नहीं। तो 0.01 और 0.05 को थोड़ा सा ध्यान सुनिए, अब आगे एक पॉइंट आता तो आपको अभी यहां पे और क्लियर होगा। जो यहां आपको एक डिनोट होता है जेड, जेड बेसिकली ना आप जब शोध करेंगे, जब आप रिसर्च करेंगे, तो उस शोध में कुछ ना कुछ मान निकालेंगे। रिसर्च जब करेंगे आप तो कुछ ना कुछ क्या निकालेंगे, निष्कर्ष यानी मान, मान या तो निष्कर्ष, ये जड़ होता है, है ना, ये जड़ होता है। और उसके बाद ये होता है ग्रेटर देन। अब आप सोचिए कि 2.58 से लेकर 0.01 पर रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब क्या हुआ, अस्वीकृत, अस्वीकार या अस्वीकृत आप कह लीजिए, स्वीकार या अस्वीकृत। आवाज क्लियर है। अब 2.58 से 0.01 पर क्या हुआ, ये रिजेक्ट हुआ, ये बताइए बार क्लियर है। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है जी सर? बताइए। हाँ ठीक है, बताइए। अब आगे देखिए, एक बार और बता दीजिए इसको। मैंने आपसे कहा कि ये ग्रेटर देन है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन बोलेंगे। और ये 2.58, ये 2.58 से 0.01 पर रिजेक्ट हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं 2.5, ये टेबुलेशन वैल्यू है, इसको क्या बोलेंगे, बताइए इसको क्या बोलेंगे, टेबुलेशन वैल्यू। हाँ, इसको बोलेंगे टेबुलेशन वैल्यू। लेकिन ये जो जेड है ये कैलकुलेशन वैल्यू है, इसको क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू, गणना पर आधारित है ये, है ना, ये सुनते चलिए साथ साथ।
और ये तो आपको मालूम है, ये लेबल है 0.01 और रिजेक्ट है यानी अस्वीकार। पहले आप सुनिएगा अच्छे से, फिर आपसे कहता है एक और, ये जेड है, एक और मान निकला ग्रेटर देन 1.96 से 0.05 पर रिजेक्ट, यानी अगेन आपको अस्वीकृत या अस्वीकार मिला। तीसरा एक आता है Z ग्रेटर लेस 1. क्या बन जाएगा ये 1.96 से नीचे से 0.05 पर एक्सेप्ट यानी स्वीकार, यानी स्वीकार। ये आपको समझ में आया, एक बार स्पष्टीकरण करिए प्लीज, ये आपको समझ में आया 0.258 से लेकर 0.01। बताइए। नहीं सर, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे सात शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या क्या आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो? ये टेबुलेशन वैल्यू है जो किताबों में दी गई है, ये टेबुलेशन वैल्यू है जो किताबों में दी गई है, किताबों में दी गई है। ये तो लेबल है, विश्वसनीयता का स्तर है ये तो। इसके बीच में अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, पहले इतनी बात बताओ कि ये आपको समझ में आ रहा है कि 2.58 टेबुलेशन होगा, ये लेबल होगा, ये ग्रेटर देन होगा, ये निष्कर्ष मान होगा, ये और आपका यहाँ पे ये अस्वीकृत हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर इसका इतना नंबर है यहाँ पर, ये नंबर रहेगा तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर लेस अगर होता है, यहाँ पे लेस देन है, ग्रेटर नहीं लेस देन है, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्वीकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्वीकार हो जाएगा। आवाज क्लियर है? बताइए सार्थक स्तर है भाई ये। सर ये बता दीजिए जो ये कैश वैल्यू है जो जेड है। हाँ। बोलो बोलो। हाँ, आवाज आ रही है। कैलकुलेशन वैल्यू है ये, कहाँ से मतलब ये निकाली जाती है या? अरे महाराज पहले सुनो तो पूरी बात, अभी मैंने आगे बढ़ा ही नहीं, अभी आगे बढ़ूंगा ना, पहले जितना पूछता हूँ उतना बताते नहीं हो आप लोग, है ना, उतना पहले अभी मैं आगे बताऊंगा ये, ठीक है? पहले ये मुझे बताइए आपको कि ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, पहले ये बताओ आप। आ गया सर। आ गया ना, बस मुझे यही जानना है आप लोगों से, बाकी तो मैं अभी आगे बढ़ूंगा, ये सारी चीजें बताऊंगा जो चीजें इसमें अभी आपको लग रहा है ना कि ये है। अब देखो, सुन समझने का प्रयास करो। अब आपने किया रिसर्च, यानी शोध कर रहे हैं आप, ठीक है? एक मिनट, क्या हो रहा है इसमें? पेन। अब आपने किया है रिसर्च, अब देखो आपने खोज या शोध जो भी किया, और वहां मैंने क्या हो रहा है, आपको यहां पर मैंने कुछ चीजें बताई। जैसे सपोज मानिए, एक मैंने कहा आपसे कि किसी विषय में आपने क्या किया, किसी विषय में, ठीक है, किसी विषय में शोध कार्य, समझिएगा पहले ध्यान से सुनते जाइए, शोध कार्य करते ठीक है, करते समय प्रदत्त यानी आंकड़े, विश्लेषण, फोन को रोटेट कर दीजिएगा आपने, विश्लेषण है ना, शोध किसी विषय में शोध करते समय प्रदत्त विश्लेषण के बाद या पश्चात, या पश्चात शोधकर्ता एक निष्कर्ष मान किसी 2.01 प्रदर्शित होता है, तो इसका तात्पर्य, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन एक आपसे कहता है नल हाइपोथेसिस
नल हाइपोथेसिस 0.01 स्तर पर अस्वीकार या अस्वीकृत होगी होगी। ऑप्शन बी नल हाइपोथेसिस 0.05 स्तर पर अस्वीकार होगी। ऑप्शन सी वर्किंग हाइपोथेसिस 0.01 सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? बाकी लोग को आ रही है? नहीं नहीं आ रही।